हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बटर चिकन की रेसिपी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बटर चिकन बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को मार्केट से लाने के बाद इसे अच्छे से धो लें। इसमें 2 चम्मच नींबू का रस मिला लें और 2 बड़ा चम्मच दही मिला लें। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिला लें। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिला लें और 1/4 चम्मच नमक। अब इन सभी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाथों से मिक्स करने से मसाले चिकन के सभी पीस पर अच्छी तरह लग जाते हैं। इसे कवर करके 2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें। पैन में 2 बड़ा चम्मच के करीब तेल डाल दें। दो बड़ा चम्मच बटर मिला लें। बटर हम 2 बार में करके मिलाएंगे, आधा अभी मिला रहे हैं और आधा बाद में। 2 मीडियम साइज प्याज को लंबे टुकड़ों में काट कर ले लें। प्याज को पैन में डाल दें। 4 पीस हरी इलायची और 1 पीस जावित्री को भी प्याज के साथ फ्राई कर लें। प्याज का कच्चापन दूर होने तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। 2 पीस मीडियम साइज टमाटर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी पैन में डाल दें। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिला लें। इसी के साथ कुछ पाउडर मसाले मिला लें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला लें। 10-12 पीस काजू को मिला लें। छोटी कटोरी से 1 कटोरी धनिया पत्ती को बारीक काट कर मिला लें। इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए चला लें। इसी समय इसमें 1/2 चम्मच नमक मिला लें ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के लिए सभी चीज़ों को मिलाते हुए फ्राई करें। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर अपना पानी छोड़ देगा। मीडियम फ्लेम पर इसे 2-3 मिनट के लिए कवर कर दें। दो मिनट बाद इसे खोल कर चला लें। देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। मसालों को अभी साइड में रख लें ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम गैस पर कढ़ाई को रख लेंगे। कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दें। तेल को इस तरह से चारों तरफ फैला लें। चिकन के एक एक पीस को कढ़ाई में डालते जाएं। सभी पीसों को अलग अलग करके रखें। चिकन के पीस आपको वाइट वाइट से लगते होंगे। रेस्टोरेंट वाले चिकन में मसाला लगाते समय फूड कलर डाल देते हैं। जब हम घर में बना रहे हैं तो फूड कलर क्यों डालें। ये जो थोड़ा सा मसाला बच गया है इसे अभी साइड में रख लेते हैं। 2 मिनट एक साइड से पकाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। इस समय फ्लेम को मीडियम ही रखें। चिकन को हमें 80% तक पकाना है। अब इसे कवर करके 4-5 मिनट के लिए पकने दें। इधर मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है, इसे जार में डालकर हम एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे। जितना हो सके इसे बारीक पीसें। देखिए दोस्तों, मसालों का मैंने एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला मसाला बन गया है। चलिए अब हम चिकन को देख लेते हैं।
चिकन को भी पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, चला लें इसे। देखिए दोस्तों, चिकन ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब हमें फ्लेम को हाई करके पानी को सुखा लेना है। चिकन का जब अच्छे से पानी सूख जाए तो आप इसे इसी तरह से ग्रेवी में डाल सकती हैं। मैं इसे रेस्टोरेंट लुक देना चाहती हूँ। रेस्टोरेंट वाले इस तरह से जाली पर रखकर थोड़ा सा आग दिखा देते हैं, जिससे स्मोकी फ्लेवर आ जाता है चिकन में। अगर आपके पास जाली हो तो ये स्टेप करें, वरना स्किप कर दें। हाई फ्लेम पर जाली को थोड़ा सा इधर उधर करके चिकन के सभी पीस को सेक लें। फ्लेम को लो करके सभी पीस को पलट लें। इसे अभी साइड में रख लें। जिस कढ़ाई में मैंने चिकन को फ्राई किया था, इसी में मसाला बना लेते हैं। पिसे हुए मसालों को कढ़ाई में डाल दें। जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी कढ़ाई में डाल दें। मसालों को चला लें। ये जो बचा हुआ चिकन का मसाला था, इसे भी मिला लें। मसालों को मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकाएं। मसाले 3-4 मिनट अच्छी तरह से पक चुके हैं। इन मसालों में चिकन को मिला लें। चिकन को मसालों के साथ मिलाते हुए चला लें। इसमें थोड़ा पानी मिला लें। चला लें इसे। एक चम्मच कसूरी मेथी को तवे पर रखकर गरम कर लें। इसके बाद इसमें मिला लें। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर मिला लें। ये हमारा घर का बना हुआ गरम मसाला है। इसका वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अब 2 चम्मच के करीब बटर मिला लें। थोड़ा चलाने के बाद इसे कवर कर दें और 2 मिनट इसे ऐसे ही पकने दें। 2 मिनट बाद खोल कर चला लें। इस समय आप इसमें फ्रेश क्रीम मिला लें। मैंने घर की ताज़ी मलाई ली है। इसे अच्छे से फेंटने के बाद कढ़ाई में डाल दें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दें। सभी चीज़ों को मिलाते हुए मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर से इसे 2-3 मिनट के लिए कवर कर दें। 3 मिनट बाद बटर चिकन तैयार है। इसकी खुशबू से पूरा घर आपका महक उठेगा। इस समय फ्लेम को ऑफ कर दें। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकती हैं। इतने बटर चिकन को आप 3-4 लोगों को सर्व कर सकती हैं। बटर चिकन को आप रोटी, पराठा, नान या पुलाव के साथ सर्व कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय।